आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल के एस क्रिएशन में। आज इस वीडियो में हम क्रॉप टॉप बनाएंगे। देखिए, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बोले तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। क्रॉप टॉप बनाने के लिए हमने ये क्रेप का फैब्रिक लिया है। ये हमने ली है लेंथ टॉप की, जितनी भी आपको रेडी करनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसकी लेंथ लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे फैब्रिक के यहाँ पे 4 लेयर्स है। इसको हम अभी ओपन करेंगे। पहले हमें इस फैब्रिक की चौड़ाई के लिए चेस्ट का हाफ लेना है और उसमें 13 से 14 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना है। फैब्रिक को हम 3 भागों में बांट लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। हमने यहाँ पे 13 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है क्योंकि 10 इंच हमारा प्लेट्स में चला जाएगा। अब हम सेंटर में इसके निशान लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। 5-5 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लेट्स में चला जाएगा और कुछ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा फिटिंग करते टाइम। यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। हमने यहाँ पे टॉप के फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट किए हैं क्योंकि छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं हम ये टॉप, 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। जो हमने निशान लगाए हैं उनकी हम 2.5-2.5 इंच की प्लेट डालेंगे। ये हो गया हमारे टॉप का फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट पर भी हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो इनको अलग भी कट कर सकते हैं, बैक और फ्रंट पार्ट को। इस टॉप में बैक और फ्रंट पार्ट नहीं बनेगा, आप किसी भी साइड से इस टॉप को पहन सकते हैं। अब इसे हमें इस तरह से मोड़ना है और अब हम इस टॉप की फिटिंग करेंगे। एक साइड से ही ये ओपन है तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब लेंथ वाली साइड से भी हम इसे मोड़ लेंगे। अब हमने सीधी पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंचेस और इसकी लेंथ हमें टॉप की गोलाई के अकॉर्डिंग लेनी है। टॉप की जितनी भी गोलाई रेडी हुई है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है। पट्टी की साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए पट्टी की हमारे अंदर की तरफ राइट साइड होगी और टॉप की राइट साइड ऊपर की तरफ होगी। इनको हम इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और अभी हमें पट्टी को पूरी गोलाई में स्टिच करना है। अब हमें इलास्टिक लेनी है। देखिए कमर जो चेस्ट है उसकी गोलाई है 10, तो उससे हमें 2 इंच छोटी इलास्टिक कट करनी है।
इनको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब इस तरह से पट्टी के साथ हमें इलास्टिक को अटैच करना है। पट्टी को मोड़ेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है इलास्टिक सिलाई के साथ नहीं स्टिच होने चाहिए। आप इसी तरह से किसी भी साइज के लिए क्रॉप टॉप बना सकते हैं और आप इसे एज ए स्कर्ट भी वेयर कर सकते हैं। टॉप हमारा बनकर रेडी हो गया है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।